उसके बाद उसी वंश में कई राजा हुए, राजा भरत हुए। राजा भरत बड़े ही प्रतापी राजा थे, राजकाज सूझबूझ से सब कुछ काम करते। कुछ समय बाद अपना राजकाज अपने बच्चों को संभाल कर वे जंगल की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। एक बार जंगल में वे स्नान कर रहे थे, तो एक तरफ नदी के एक तरफ एक मृगों का समूह था। मृग यानी हिरण, हिरण का समूह था। उसमें से एक मृग मादा भी थी। मृग मादा यानी फीमेल, हिरण में फीमेल, तो मृग मादा भी थी, वो गर्भवती थी। अचानक एक सिंह की गर्जना करने की आवाज होती है, तो जितने मृग थे वे सब नदी से छलांग लगाकर नदी के दूसरी ओर आने लगे। वो मृग मादा भी डर गई, उसने भी छलांग लगाई। उसने छलांग लगाई तो उसके गर्भ में से बालक नीचे गिर गया, नीचे गिर के पानी में चला गया। पानी में भरत जी स्नान कर रहे थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। मृग मादा की तो मृत्यु हो गई, तो उस बालक को भरत जी अपनी कुटिया लेकर आ गए। अब दिन भर उसके साथ रहते। अब देखिए, ये मनुष्यों का स्वभाव है, अगर आप 24 घंटा किसी के साथ रहेंगे तो उसमें मोह पड़ जाना स्वाभाविक है, उससे प्रेम हो ही जाता है। तो यहां पर 24 घंटा भरत जी उस मृग बालक के साथ रहते। सो रहे हैं तो वो पास रहे, भोजन कर रहे हैं तो वो पास रहे, स्नान कर रहे हैं तो वो पास रहे, पूजा कर रहे हैं तो वो पास रहे, हर वक्त मृग बालक। अब एक बार वे पूजा पाठ कर रहे थे, वो मृग बालक बाहर खेल रहा था, तभी एक मृगों का समूह आया। अपने जैसे मृगों को देखकर वो उसी के साथ चला गया। अब यहां पूजा करके वो मृग बालक को अंदर बुलाने आते हैं, देखते हैं तो मृग बालक कहीं नहीं, हर जगह ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलता। काफी समय चला जाता है, अंत समय निकट आता है। अंत समय, इतने वर्षों बाद भी महाराज उनके मुख में केवल एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहाँ गया। वो कहते अंत समय में जिसका नाम मुख से लो वही योनि प्राप्त होती है, इसलिए कहते भगवान का नाम लेना चाहिए तो बाकी जो योनियां उनसे छुट्टी मिल जाएगी, भगवान के पास जाएंगे। तो उन्होंने मृग बालक का नाम लिया, उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। अब लेकिन अपने राज काज में उन्होंने इतने पुण्य किए थे अपने राज्य काल में कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, उन्हें पिछले जन्म का सब कुछ याद था। तब उन्होंने विचार किया कि ये मैंने क्या कर दिया, एक मृग के मोह में इतना पड़ गया कि अंत समय में मेरे मुख में उसका नाम था। तो उस मृग योनि में वे ठाकुर जी का नाम जपते, अंदर सही समय पर उठ जाते, स्नान करते, तो दूसरी योनि मनुष्य योनि प्राप्त हुई। अब ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण की दो स्त्रियां थी, एक स्त्री से कुछ बालक थे, एक स्त्री से एक बालक, एक कन्या। वो एक बालक भरत जी थे। इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ा। महाराज यहाँ पर इतने भक्त बैठे हैं, हम सब जानते हैं आज पढ़ाई का क्या महत्व है, विद्या का। सब जाते हैं हमारे बच्चे बड़े बड़े डिग्रियां ले, अच्छा काम करें, पढ़े लिखे हो। आप जो भी डिग्री लेते हैं, किसी भी क्षेत्र में गए आप, कॉमर्स हो, साइंस हो, सब में फॉर्मूले होते हैं कि नहीं। कॉमर्स में जो अकाउंट्स के सीए करते हैं आप, सब में फॉर्मूले होते हैं। आप प्रश्न देखते हैं, आपको पता है किस फॉर्मूले से ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब एक बात बताएं, आप उस जो फॉर्मूला है उसे एक बार पढ़ ले, दो बार पढ़ ले, तीन बार पढ़ ले, चार बार पढ़ ले, 50 बार पढ़ ले, 100 बार पढ़ ले, हल निकल आएगा? हल कैसे निकलेगा? सॉल्व करने से, उसे प्रैक्टिकली सॉल्व करने से आपका हल निकल आएगा। तो श्रीमद् भागवत कथा एक बार सुन ले, दो बार सुन ले, 50 बार सुन ले, 100 बार सुन ले, हल निकल आएगा। उसे जब तक जीवन में उतारोगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। श्रवण चिंतन मनन,
हम कथा सुनते हैं, 4 घंटा हमने कथा सुनी, अच्छे से सुनी, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, जो भी चीजें सुनी थी सब झाड़कर घर चले गए, घर के कामों में लग गए, सब भूल गए। तो पार्षद कहते यहाँ जितने भक्त हैं सबने यही किया सिवाय धुंधकारी जी के। वो कथा खत्म होने के बाद पूरे दिन उस कथा के बारे में सोचते, क्या क्या बातें हुई, फिर रोते, प्रायश्चित करते कि मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया। ऐसे करते करते उनके सारे पाप धुलते गए और अंत में जब सारे पाप खत्म हो गए तब उनके लिए पुष्पक विमान आया। तो अपने जीवन में उन बातों को उतारना पड़ेगा। और चलिए मैं आपसे नहीं कहती कि सारी बातें उतारी है, संभव नहीं है, वो समय अलग था, अब समय अलग है, हमें भी काफी समय लगेगा उन बातों को जीवन में उतारने में। तो महाराज, तो केवल सुनने से पुष्पक विमान नहीं आएगा, उन बातों को जीवन में उतारना होगा। कोई एक दो बात भी जीवन में उतार लो तो कल्याण हो जाएगा।